हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेस्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2। पहला नंबर है हल करें। पहला नंबर है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर देखिए यहाँ पर है और इधर x है, इधर x है, दोनों x का हम लोग एक साइड लेंगे और x का मान निकाल देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं x/2, फिर यहाँ पर देखिए x/3 है बराबर का, इधर राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x/3। फिर यहाँ पर बराबर है, बराबर लगाते हैं, फिर यहाँ पर 1/4। फिर यहाँ पर देखिए 1/5 माइनस में है, बराबर का इधर आएगा, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/5। फिर हम लोग यहाँ पर देखिए x/2 - x/3 ये भिन्न का घटाव हो गया, ठीक ना, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 लिखते हैं। फिर 2 का पढ़ा बोलते हैं, कई बार में 6 आएगा, 3 बार में, 2 3 6 होता है, 3 को x से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर 3 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में 6 आता है, 3 × 2 = 6 दो बार में आता है, 2 को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x। भिन्न का घटाव है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर बराबर, फिर यहाँ पर फिर से 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में 20 आता है, 4 × 5 = 20 5 को हम लोग 1 से गुना कर देंगे, 5 × 1 = 5 जोड़, ये वाला जोड़ यहाँ पर आ गया। फिर 5 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में 20 आता है, 5 × 4 = 20 4 आ गया, ठीक ना, 4 को हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4। अब इस यहाँ पर देखिए 3x में माइनस करेंगे 2x तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक ना। एक्चुअल में यहाँ पर 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक ना, 1 छिपा हुआ रहता है। फिर 6 यहाँ पर बटे 6 लिख दिए हम लोग, बराबर। यहाँ पर देखिए 5 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/20। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो 6 है उसको बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 9/20 है, 6 और x के बीच में भाग है, इधर आकर गुना हो जाएगा, गुना 6। उसके बाद इसको हम लोग x बराबर 9×6 = 54 / 20 है, 20 लिख दिए। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 से काटते हैं पहले, 2 × 20 फिर यहां पर हो जाएगा 2×4 1 इधर आ गया, 14 हो गया, 2 × 7 = 14। यहां पर आ गया हमारे पास x = 27/10 बराबर। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.7, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। यहां पर हम लोग यहाँ पर देखिए 7x/15 है, इसको इधर ले आएंगे। सबसे पहले 2x इसको लिखते हैं 2x/3, यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, -7x/15 बराबर। यहाँ पर 3 को लिखते हैं, फिर ये वाला जो 1 है बराबर का उधर जाएगा, यहाँ पर +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से भिन्न का घटाव बन गया है, 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, इसलिए 15 लिख देंगे। अब 3 का पढ़ा बोलेंगे के बारे में 15 आता है, 3 × 5 = 15, ठीक ना, 5 5 का हम लोग 2x से गुना कर देंगे, लिखते हैं 2x × 5, ठीक ना, ये ब्रैकेट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा लंबा करते हैं पहला नंबर का सवाल से, देखिए उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 7x लिख देंगे गुना, उसके बाद फिर 15 का पढ़ा बोलेंगे के बारे में 15 आता है, 15 × 1 = 15 एक बार में, इसलिए हम लोग 1 लिख दिए, ये 1 से ये गुना है, ध्यान दीजिएगा। फिर बराबर 3 में 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। अब देखिए 2x को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 10x, फिर माइनस से माइनस, 7x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x/15 बराबर 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहां पर 10x में माइनस करेंगे 7x तो कितना बचेगा, 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3 और 1 साथ में रहेगा, x है यहाँ पर इसीलिए, और यहाँ पर भी है, 15
बराबर दो। अब थ्री एक्स को इधर रहने देते हैं बराबर दो। उसके बाद देखिए 15 को उधर ले जाएंगे, यहां पर देखिए 3x और 15 के बीच में भाग है तो इधर आकर गुना हो जाएगा 15, ठीक ना। ये 15 को इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 3x बराबर 15 दुनी 30, ठीक ना। 3x बराबर 30 हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, x बराबर 30। अब देखिए x और 3 का बीच में यहां पर गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 30, इस तरह हो जाएगा x बराबर 10 आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का सवाल है, x − 8x/3 + 5x/2 = 15। यहां पर देखिए बराबर का जो इधर लेफ्ट साइड है सब x लेफ्ट साइड ही है, तो इसको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले यहां पर देखिए x/1 यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक हमेशा छिपा रहता है। अब हम लोग ये भिन्न का यहाँ पर इसको सबसे पहले भिन्न का जोड़ या घटाव करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 1, 3 और 2 का। 1, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर बड़ा सा एक बटा का चिन्ह लगाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 का पहाड़ा बोलेंगे कई बार में 6 आएगा, 1 × 6 = 6, 6 आता है, इसलिए 6 से हम लोग x को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x × 6। अभी थोड़ा सा लंबा ही लिख रहे हैं। फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पर 8x है, ठीक ना, 8x लिखते हैं। फिर 3 का पहाड़ा बोलेंगे कई बार में 6 आता है, 3 × 6 तो 2 से गुना कर देंगे 8x को, यहाँ ब्रैकेट हो गया। फिर प्लस, ये वाला प्लस। फिर 5x, यहाँ पर 5x। फिर यहाँ पर देखिए गुना, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे कई बार में 6 आता है, 2 × 3 = 6, इसलिए 3 से इसको गुना कर देंगे बराबर, इधर क्या है 15, 15 लिख दिए। अब हम लोग इसको x को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। यहाँ पर घटाव है, घटाव लगा दिए, 8 × 16, फिर यहाँ पर x है 16x, जोड़ 5 × 3 = 15, फिर x है 15x/6 = 15। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर 6x है प्लस में है और यहां पर 15x प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21x माइनस यहां पर जो 16x है उसको लिख देते हैं हम लोग। देखिए यहां पर प्लस है और यहां पर प्लस है, दोनों को प्लस कर दिए तो हो गया 21x। फिर 16 को लिख दिया, 16x को माइनस के साथ, 6 = 15। अब उसके बाद हम लोग 21x में 16x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5x, बट्टे यहाँ पर देखिए 6 है बराबर 15। उसके बाद हम लोग इसको अभी 5x को इधर लिखते हैं बराबर 15 इधर। अब यहाँ पर जो 6 है और x दोनों के बीच में यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर 6 को जब बराबर का इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 5x बराबर 15 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 15 × 6 = 90, यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर हम लोग x = 90, यहाँ पर देखिए x और 5 के बीच में गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा भाग, फिर इसको काट देंगे 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, यहाँ पर 4 बच गया 40 हो गया, 5 × 8 = 40, इस तरह x बराबर हो गया हमारा 18, x = 18, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, चौथे नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल है 2x − 1/3 − 6x − 2/5 = 1/3। यहां पर हम लोग सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 15। उसके बाद 3 का पहाड़ा बोलेंगे के बारे में 15 आता है, 3 × 5 = 15, 5 को ऊपर वाला जो भी अंश है सबसे गुना करेंगे 2x − 1, इससे गुना करना है 5 को, फिर माइनस। उसके बाद यहां पर 6x − 2, इसको गुना करना है किससे, 5 का पहाड़ा बोलेंगे के बारे में 15 आएगा, 5 × 3 = 15, 3 से बराबर
एक बटे तीन। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, पांच को पहले टू एक्स गुना करेंगे, पांच को माइनस एक के साथ गुना करेंगे, पांच को टू एक्स के साथ गुना करेंगे, पांच दूनी दस हो जाएगा, फिर एक्स माइनस पांच एक का पांच, फिर यहां पर घटाव है, घटाव लगाते हैं, फिर यहां पर तीन छक अठारह एक्स, यहां पर एक्स है इसीलिए, अब यहां पर माइनस है, तीन दुना छ माइनस छ। अब हम लोग बटे पंद्रह लिखते हैं, फिर बराबर एक बटे तीन, यहां पर एक ब्रैकेट लगेगा ठीक ना, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट था। अब इसको जो ब्रैकेट है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, दस एक्स माइनस फाइव, देखिए यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, माइनस अठारह एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस सिक्स बटे पंद्रह बराबर एक बटे तीन। इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स है ठीक ना, तो अठारह में हम लोग दस माइनस करेंगे तो आठ बच जाएगा, और माइनस है अठारह में और अठारह दस से बड़ा है इसलिए माइनस आठ एक्स। फिर यहां पर हम लोग छ में पांच माइनस करेंगे तो एक बच जाएगा प्लस एक, फिर बटे पंद्रह बराबर एक बटे तीन। अब हम लोग पंद्रह को इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे पंद्रह को, तो हो जाएगा माइनस आठ एक्स प्लस एक बराबर एक बटे तीन, यहां पर भाग में है पंद्रह तो इधर आकर गुना में पंद्रह हो जाएगा, उसके बाद तीन से पंद्रह कट जाएगा, काट देंगे तीन एक तीन, तीन पच्चे पंद्रह, फिर पांच एक का पांच हो गया यहां पर, पांच एक का पांच। अब इसको लिखते हैं आठ एक्स जोड़ एक, माइनस आठ एक्स जोड़ एक। अब देखिए इसको हम लोग फिर से एक को इधर ले आएंगे, माइनस आठ एक्स बराबर पांच, यहां पर प्लस एक है उसको इधर ला रहे हैं तो माइनस एक हो जाएगा, उसके बाद यहां पर माइनस आठ एक्स बराबर चार। अब देखिए हम लोग माइनस आठ को इधर लाएंगे, यहां पर लिखते हैं एक्स बराबर चार बटे, यहां देखिए माइनस आठ और एक्स का बीच में गुना है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा आठ, और यहां पर जो माइनस है उसको ऊपर लिख देंगे। अब इसको काटेंगे हम लोग, एक्स बराबर चार से कटेगा, चार एक चार माइनस एक, चार दूना आठ, इस तरह माइनस एक बटे दो। इसके बाद हम लोग इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस जीरो दशमलव पांच, पांच हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला पांच नंबर पर, पांच नंबर का सवाल है थ्री एल माइनस टू बाय फोर माइनस टू एल प्लस थ्री बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस एल। हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में यहां पर एल है, यहां पर भी एल है, और राइट साइड में भी एल है, तो जो राइट साइड में एल है उस एल को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, यहां पर माइनस एल है लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस एल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं थ्री एल माइनस टू बाय फोर माइनस टू एल प्लस थ्री बाय थ्री, यहां पर जो एल है इधर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस एल इज इक्वल टू टू बाय थ्री। उसके बाद इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, अब एल के नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं ठीक ना, एक छिपा हुआ रहता है, अब चार तीन और एक का एलसीएम निकालेंगे, चार तीन और एक का एलसीएम हो जाएगा बारह, इसलिए बारह को लिख देंगे हम लोग, लंबा सा बट लगाएंगे। अब यहां पर देखिए चार का पढ़ा बोलेंगे कई बार में बारह आता है, तीन बार में, तीन को हम लोग थ्री एल माइनस टू से गुना कर देंगे, थ्री इंटू थ्री एल प्लस टू, हम लोग थ्री को यहां लिखे या यहां लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर माइनस, फिर से तीन का पढ़ा बोलते हैं कई बार में चार, यहां पर बारह आएगा, तीन चौके बारह, तो यहां पर हम लोग चार गुना टू एल प्लस थ्री, उसके बाद फिर प्लस से प्लस लगाकर फिर देखते हैं एक का पढ़ा बोलते हैं कई बार में बारह आता है, एक का पढ़ा बारह बार में बारह आएगा, इसलिए बारह को एल से गुना कर देंगे तो बारह गुना एल बराबर टू बाय थ्री। हम लोग सोल्व करते हैं इसको,
तीन को तीन एल से गुना करेंगे तो तीन तीन नौ एल हो जाएगा, माइनस तीन दूना छ, फिर से यहाँ पर माइनस चार दूना आठ एल, फिर चार तिया बारह, लेकिन यहाँ पर माइनस है प्लस है, माइनस बारह, फिर यहाँ पर प्लस बारह एल बराबर, यहाँ पर पहले बटे बारह बराबर दो बटे तीन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर नौ एल है, यहाँ पर माइनस आठ एल है, फिर यहाँ पर बारह एल है, नौ एल में आठ एल माइनस करेंगे तो एल बचेगा, एल में हम लोग फिर से बारह एल जोड़ देंगे तो तेरह एल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नौ में हम लोग आठ माइनस किए हैं, एक बच्चा है, एक में फिर से बारह जोड़ दिए तो तेरह हो गया, तेरह एल। अब यहाँ पर माइनस छ है और यहाँ पर माइनस बारह छ है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अठारह हो जाएगा, दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है, बटे बारह बराबर दो बटे तीन। इसके बाद इसको हम लोग फिर से एल का मान निकालेंगे, अभी बारह को इधर दूसरे साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तेरह एल माइनस अठारह बराबर दो बटे तीन, यहाँ पर भाग में है बारह तो इधर आकर गुना में बारह हो जाएगा, फिर काट देंगे तीन का तीन, तीन चौके बारह, इस तरह हो जाएगा तेरह एल माइनस अठारह बराबर चार दुना आठ। अभी हम लोग अठारह को इधर राइट साइड लाएंगे, तेरह एल बराबर आठ, यहाँ पर माइनस अठारह है तो इधर आकर प्लस अठारह हो जाएगा, फिर हो जाएगा तेरह एल बराबर अठारह में हम लोग आठ जोड़ देंगे तो छब्बीस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब एल का मान निकालेंगे, एल बराबर छब्बीस बटे, यहाँ पर देखिए तेरह गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, फिर काट देंगे तेरह के तेरह, तेरह दुना छब्बीस, इस तरह एल बराबर हो जाएगा दो, एल बराबर दो और दो हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला छठा नंबर पर, छठा नंबर का सवाल है टू एन माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री एन माइनस एट बाय फोर इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय थ्री। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब में एन है ठीक ना, सब एन को एक साइड लिखेंगे और बराबर के उधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो लगा देंगे। यहां पर लिखते हैं टू एन माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री एन माइनस एट बाय फोर, फिर यहां पर एन प्लस वन बाय थ्री को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस एन प्लस वन बाय थ्री बराबर, इधर कुछ नहीं बचा है ठीक ना, तो जीरो, इधर जीरो लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दो चार और तीन, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बारह, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर बारह। अब देखिए दो का पढ़ा बोलेंगे क्या बारह में बारह आता है, दो छक बारह छ, छ को हम लोग इसे गुना करेंगे दो एन माइनस तीन से, माइनस चार का पहाड़ा बोलेंगे के बारे में बारह आता है, चार तिया बारह तीन आया, तीन को हम लोग गुना करेंगे तीन एन माइनस आठ से, फिर माइनस तीन का पहाड़ा बोलेंगे के बारे में बारह आता है, तीन चौके बारह चार, तो चार को गुना करेंगे एन प्लस एक से, फिर इधर बराबर जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, छ दुना बारह एन है इसलिए बारह एन माइनस छ तिया अठारह, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, तीन तीन तिया नौ एन, अब माइनस माइनस प्लस, तीन अठे चौबीस, फिर यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा चार और एन को गुना करेंगे तो चार एन, फिर माइनस प्लस माइनस चार का चार बराबर जीरो। इसके बाद हम लोग देखिए जहां जहां एन है उसको सॉल्व करेंगे, बारह एन है फिर माइनस नौ एन माइनस चार एन, बारह एन में हम लोग माइनस करेंगे नौ तो बच जाएगा तीन एन, सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए यहां पर बारह एन, एक लंबा स्टेप कर देते हैं, बारह एन माइनस
9 एन, फिर यहाँ पर माइनस 4 एन, एन वाला खत्म हो गया, फिर 18 है, 24 है और यहाँ पर 4 है, माइनस 4 है, माइनस 18 प्लस 24 माइनस 4, यहाँ पर बटे 12 छूट गया है, बटे यहाँ पर भी 12 हो जाएगा बराबर 0। फिर हम लोग 12 एन में 9 एन माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 3 एन, उसके बाद यहाँ पर माइनस 4 एन है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस 18 है और माइनस 4 है, दोनों को जोड़ देंगे 18 और 4 तो कितना हो जाएगा माइनस 22 जोड़ 24, यहाँ पर 24 है इसीलिए 24 बट्टे यहाँ पर 12 है, 12 को लिख दिए, अब बराबर इधर 0। अब देखिए 3 एन में हम लोग माइनस करेंगे 4 एन तो क्या बचेगा माइनस एन बचेगा, फिर 24 में 22 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2 बट्टे 12 बराबर 0। फिर हम लोग यहाँ पर माइनस एन जोड़ 2 बराबर, बराबर को बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 12 है भागा में इधर, ठीक ना, बराबर के इधर ले आएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 12, अब 0 को 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर माइनस एन प्लस 2 है, अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस एन बराबर, यहाँ पर देखिए 2 इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा, और 0 के साथ जोड़ देंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर माइनस 2 ही होगा इसलिए मैंने 0 को नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस एन बराबर माइनस 2 तो क्या दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरह एन बराबर हमारे पास आंसर हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर का सवाल है हल कीजिए। पहला नंबर है 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 वाई प्लस 1, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट दोनों तरफ है उसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 5 को पहले y के साथ गुना करेंगे फिर 5 को माइनस 3 के साथ, 5 को y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y फिर माइनस 5 दिया 15 बराबर 2 3 दुनी 6y, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3। अब इसको देखिए यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 6y है, 6y को इधर ले आएंगे तो 5y यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 6y बराबर, यहाँ 3 है फिर यहाँ पर 15, 15 को बराबर का इधर लाएंगे राइट साइड तो प्लस 15 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 5 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा माइनस 1y तो बस माइनस y लिखते हैं, बराबर हम लोग 3 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। इसके बाद अब देखिए y बराबर, y का मान निकालना है माइनस y का मान नहीं निकालना है, y का निकालना है इसलिए माइनस इधर चला आएगा तो हो गया माइनस 18, इस तरह y बराबर हो गया माइनस 18 हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर का सवाल है 15 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर सब में ब्रैकेट है, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 को x से गुना करेंगे फिर 15 को माइनस 4 से भी गुना करेंगे, 15 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15x फिर हो जाएगा माइनस 15 चौके 60, फिर यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 2 नवा 18, फिर यहाँ पर प्लस 5x फिर 5 छक 30 प्लस 30 बराबर 0। अब जहां जहां x है यहां पर और यहां पर सबको एक जगह लिख देंगे 15x माइनस 2x प्लस 5x फिर यहां पर माइनस 60 प्लस 18 फिर यहां पर प्लस 30 एक जगह लिख दिए बराबर 0। अब देखिए 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा 13x फिर यहाँ पर प्लस 5x फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है ठीक ना, ये माइनस में है, प्लस प्लस को पहले प्लस कर देते हैं माइनस 60 को लिख देते हैं यहाँ पर प्लस, 30 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48
बराबर 0। अब हम लोग 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18x। फिर यहाँ पर 48 में हम लोग माइनस करेंगे 60, तो एक्चुअल में 48 तो छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 60 में माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगाएंगे। तो 60 में माइनस करेंगे तो बच जाएगा 12 बराबर 0। अब फिर यहाँ पर 18x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 है माइनस में, बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। फिर x बराबर हो जाएगा 12 बट्टे, यहाँ पर देखिए 18 गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं हम लोग, 6 से 6 दुना 12, 6 तिया 18, तो इस तरह आंसर आ गया x बराबर 2/3, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं 3 नंबर, 3 नंबर का सवाल है, 4 × 2z − 3 + 3 = 2 × z + 3 − 3 × z + 1। यहाँ पर जहां जहां में ब्रैकेट है हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, पहले 4 को 2z से भी गुना करेंगे और −3 से भी गुना करेंगे, तो 4 दुना 8 हो जाएगा 8z माइनस 4 × 12, उसके बाद यहाँ पर +3, उसके बाद बराबर है। फिर यहाँ पर 2 को जेड से गुना करेंगे तो 2z + 2 × 6, फिर माइनस है माइनस, और 3 को जेड से गुना करेंगे तो 3z हो जाएगा, −3 को एक से गुना करेंगे तो −3। अब जहां जहां जेड है हम लोग सब जेड को इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं। सबसे तो पहले यहाँ पर 8z है, उसके बाद यहाँ पर 2z है, इधर आएगा तो यहाँ पर देखिए 2z प्लस में, इधर आकर −2z, और यहाँ पर −3z है बराबर का, इधर आएगा तो +3z बराबर। अब यहाँ पर 6 − 3, अब ये जो है −12 और +3 बच गया है, उसको बराबर का इधर राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट से राइट लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए −12 इधर आकर हो जाएगा +12, और यहाँ पर −3 हो जाएगा, ठीक ना, +3 है तो यहाँ पर हो जाएगा −3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6z बचेगा, फिर यहाँ पर +3z बराबर, 6 में सबसे पहले हम लोग 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, फिर 12 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, इस तरह। अब 6z में हम लोग 3z जोड़ देंगे तो 9z बराबर, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। अब इसको हम लोग z का मान निकालेंगे, z बराबर 12/9, इसको काट देंगे 3 से, 3 × 12, फिर नीचे 9 है, 3 × 9, तो इस तरह z बराबर हो गया 4/3 आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, चौथा नंबर, चौथा नंबर का सवाल है, 0.5x − 0.8 − 0.2x = 0.2 − 0.3x। यहाँ पर हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है ठीक ना, तो गुना तो नहीं करेंगे, यहाँ पर माइनस है इसीलिए बस लिखते हैं 0.5x। अब माइनस और यहाँ पर प्लस, तो −0.8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0.2x, फिर बराबर 0.2 − 0.3x। अब x को एक साइड रखेंगे, इधर राइट लेफ्ट साइड रखेंगे, और x जिसमें नहीं है उसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में, 0.5x, फिर यहाँ पर जोड़ 0.2x। अब देखिए इधर x है −0.3x है, बराबर का इधर लाएंगे तो हो जाएगा +0.3x, फिर यहाँ पर बराबर लगाकर फिर इसको लिखते हैं 0.2, फिर यहाँ पर 0.8 बच गया था ठीक ना, माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस
0.8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। एक्चुअल में पॉइंट वाला है, इस तरह से होगा 0.2.3। तो यहाँ पर 5 जोड़ 2 7, 7 जोड़ 3 10, 10 का 0 हाथ में 1, और इधर पॉइंट लगाकर 1 को यहाँ पर लिख दिए तो हो गया 1, ठीक ना। 1.0 है मतलब ये 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 1.01। चलिए पूरा ही लिख देते हैं बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.2, 0.8, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.0 हो जाएगा, 1.0। अब x को इधर छोड़ देते हैं, 1.0 को उधर ले जाएंगे, 1.0/1.0, ये दोनों तो कट जाएगा, बराबर 1 हो गया। इस तरह x बराबर 1 हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर का सवाल है 0.25 गुना 4f-3 बराबर 0.02 × 10f-9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 0.25 को 4f से गुना करेंगे तो देखिए 25 × 4 = 100, ठीक ना, 100, फिर 1 2, दो संख्या के बाद पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, फिर यहाँ पर f है, f लिख दिए। अब 0.25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 × 3 = 75 -75 हो जाएगा, उसके बाद 1 2, दो संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस, अब फिर यहाँ पर बराबर है। फिर यहाँ पर देखिए 0.02 को 10f से गुना करेंगे तो 10 × 20 होता है, फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट है 1 2, दो संख्या के बाद 1 2, दो संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर 0, फिर f है, f लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 2 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, 2 × 9 = 18, फिर 1 2 की दो संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए 1 2 के बाद फिर से पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर f है और यहाँ पर भी f है, एक साइड लिखते हैं, एक्चुअल में इसको हम लोग बस f लिख सकते हैं, अभी पूरा ही लिखते हैं 0.00f माइनस, यहाँ पर प्लस है इसलिए इधर आकर माइनस हो जाएगा, 0.20f बराबर, इसको लिखते हैं -0.18, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो प्लस होगा 0.75। अब देखिए इसको हम लोग दोनों को घटाएंगे, यहाँ पर घटाते हैं रफ में, 1.00, फिर यहाँ पर पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पर इधर 0 है, फिर यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2, फिर 0। अब इसको माइनस करना है, देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 में 2 माइनस नहीं होगा, इधर से एक रिंग लाएगा 10 हो जाएगा, 10 में यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 0.05, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है 0, तो इस तरह हो गया 0.80, फिर यहाँ पर f बराबर। अब देखिए इसको भी हम लोग घटाएंगे 75 में, यहाँ मतलब 0.75 में घटाएंगे 0.18, यहाँ पर घटाते हैं 0.75 घटाओ 0.18 घटाते हैं, देखिए 5 में 8 तो नहीं घटेगा इसलिए इधर से रिंग जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, ठीक ना, 7 बच जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 0.05 है 0, तो इस तरह हो गया 0.57, यहाँ पर लिखते हैं 0.57। अब f को इधर ही हम लोग रहने देते हैं बराबर, इसको लिखते हैं 0.57, फिर यहाँ पर देखिए f और 0.80 के बीच में यहाँ पर गुना है तो इधर आकर हो जाएगा भाग 0.80। अब इसको हम लोग देखिए पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पर और ऊपर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो इस तरह पॉइंट को हम लोग अभी हटा देंगे नीचे, 5 यहाँ पर 57 हो गया बट्टे 80, तो इस तरह 57/80 हो गया हमारा आंसर। इस तरह आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का
एक नंबर और दो नंबर पूरा सॉल्व किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वह भी मैथ बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।